आज एक सुंदर सी कहानी सुनाऊंगी आप लोगों को, ए फार्मर एंड हिज थ्री सन्स। ए फार्मर एंड हिज थ्री सन्स। ए फार्मर एंड हिज थ्री सन्स। तो फार्मर कौन होता है? एक किसान होता है, उसके बारे में आज सुनेंगे। एक फार्मर, एक किसान एक गांव में रहता था अपने बीवी और तीन लड़कों के साथ। बहुत खुश था, बहुत मेहनती था, उसका छोटा सा घर भी था और उसका सुंदर सा खेत भी था, पर उसके तीनों बेटे बहुत ही आलसी थे, कोई काम नहीं करते थे, हमेशा दिन भर सोते रहते थे। किसान अपने बीवी के साथ मिलके सारा खेत का काम करता था, पर वो तीनों लड़के चुपचाप खाते थे और सोते थे। एक दिन क्या हुआ, छोटा लड़का ने अपने मम्मी से जाके कहा, मम्मी मुझे पैसे चाहिए, कुछ टेस्टी खाऊंगा। तो मम्मी बोली, अरे कहाँ से लाएंगे टेस्टी खाना, तुम्हें तो पता है इस बारिश नहीं हुआ अच्छे से, खेत का काम नहीं चल रहा है और तुम्हें टेस्टी खाना चाहिए। वही सुनकर किसान वहाँ घर के अंदर आके उसको डांटने लगा, छोटे बेटे को, बोला तुम लोग मेहनत नहीं करते हो, मैं अकेला मेहनत करता हूँ पर तुम टेस्टी खाना मांगते हो, चलो मेरे साथ काम करो। तो छोटा बेटा जाके अपने दोनों भाइयों से बोला, आज से हम पापा के साथ काम करेंगे। पर उसके दो भाई नहीं माने, पर छोटा बेटा अपने पापा के साथ काम करने लगा खेत पे। वो काम कर रहा था। एक दिन क्या हुआ, हाँ उसके अच्छे फसल उगे थे, तो वो फसल को खाने भेड़ बकरियाँ आ गए और उसके दो बड़े भाई सो रहे थे वहाँ पे। जैसे ही बीच वाला भाई देखा कि फसल से वो लोग खा रहे हैं, तो बीच वाला भाई और छोटा भाई दौड़ दौड़ के वो भेड़ बकरियों को वो खेत से भगा दिए। वो मम्मी उनकी देख रही थी, उनकी मम्मी ने कहा कि देखो तुम लोगों ने उसे तो भगा दिया, पर वो लोग वो फिर से वापस आ जाएंगे, तो हमें क्या बनाना चाहिए, हमें एक फेंस बनाना चाहिए, मेड फेंस। तो वो दो भाई मिलके अपने पापा के साथ, बीच वाला भाई और छोटा, दोनों पापा के साथ मिलके फेंसिंग किए, चारों तरफ फार्म के चारों तरफ फेंसिंग कर दिए और कोई भेड़ बकरी नहीं आया। पर एक दिन क्या हुआ, जब दाना सब पक गए थे, कुछ चिड़िया लोग उड़ के आसमान से आके सारे दाने खाने लगे। बड़ा भाई वहाँ अकेला बैठा था, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करता था, ऐसे ही बैठा रहता था। उसने देखा, अरे चिड़िया लोग सब खा रहे हैं उनके खेत का, तो वो दौड़ दौड़ के उनको भगाने लगा। वो चिड़िया सारे उड़ गए। ये भी उनकी मम्मी ने देखा और कहा, अरे तुम तो गुड बॉय बन गए हो, अभी हमें क्या करना चाहिए, ये कबूतर ये कौवे ना आए तो हमें एक पुतला बनाना चाहिए, जो ज़मीन पे फार्म पे होता है ना, छोटा सा पुतला, ऊपर मिट्टी का हांडी लगा के करते हैं, वो वाला बनाना चाहिए। तो उन लोगों ने वो बना के रखा। फिर सब लोगों ने मिलके मेहनत किया, बड़ा भाई भी मेहनत किया, छोटा तो कर रहा था, और बीच वाला भी मेहनत करने लगा, और उनका बहुत अच्छा फसल हुआ। वो लोग सारे हैप्पी रहने लगे, खुशी खुशी मिलके खेत पे काम करते थे, जो आता था उसे बेच के अपना खाना और पीना करते थे, सारे हैप्पी थे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मिलजुल के हर काम करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेजी नहीं बनना चाहिए।